दोस्तों आपको पता ही होगा कि टोयोटा और मारुति का टाइप होने के बाद इनके जो सिमिलर प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में लॉन्च होते हैं, जैसे कि ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी की है, वैसे ही जो है वो ऐसी बहुत सारी सिमिलर कार्स हैं इन दोनों ब्रांड में। तो अब जो है वो इनोवा का नंबर है, टोयोटा जो है वो आपकी इनोवा जो है वो मारुति सुजुकी को देने वाला है, और इसका जो है वो हमें फाइनल लुक जो है वो देखने को मिल चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर हम डिज़ाइन और स्टाइलिंग की बात करते हैं तो इसमें आपको फ्रंट एंड बहुत ज़्यादा जो है वो अलग देखने को मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, इन द सेंस कि आपको जो है वो बम्पर में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको मारुति सुजुकी की जो ग्रैंड विटारा जैसी जो सिमिलर लुक्स जो है वो ग्रिल आपको इसमें देखने को मिलने वाली है, एंड बम्पर में नीचे की तरफ जो है आपको डिज़ाइन एलिमेंट में चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। DRL जो है वो सेम ही शेप की रहने वाली है, मगर जो है वो हाउसिंग इसकी चेंज होगी, हेडलाइट भी जो है वो गाड़ी की सेम रहने वाली है, एंड अगर हम इसके अलॉय व्हील्स की बात करते हैं तो वो भी जो है वो थोड़े से चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। इसका जो है वो पैटर्न बहुत ज़्यादा अलग है, डायमंड कट अलॉय व्हील्स आपको इस इमेज में दिखाई देंगे। एंड अगर हम बात करते हैं कि ऐसा माना जा रहा था कि ये सिर्फ मारुति सुजुकी इसके लोअर वेरियंट्स को लॉन्च करेगी, बट ऐसा नहीं है, इसका जो है वो हाइब्रिड वर्जन मतलब कि टॉप एंड वेरियंट भी लॉन्च होगा, एंड लोअर वेरियंट्स जो है वो मुझे अंदाजा नहीं है कि ये लॉन्च होंगे या नहीं। तो इसमें आपको 2.0 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मोटर इंजन जो है वो देखने को मिलने वाला है, जो कि इनोवा हाईक्रॉस में भी देखने को मिलता है। इसके जो है वो इमेजेस लीक हुए हैं टोयोटा प्लांट से, मतलब कि ये गाड़ी टोयोटा की ही प्लांट में बनने वाली है, इनोवा के साथ साथ ही गाड़ी बनेगी, एंड फिर जो है वो आपको नेक्स्ट शोरूम में गाड़ी देखने को मिलने वाली है। इसके जो है वो लिमिटेड यूनिट जो है वो मंथ में सेल कर जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली जो है वो 50 यूनिट पर मंथ जो है वो ये गाड़ी की आपको मारुति सुजुकी के नेक्स्ट शोरूम्स में देखने को मिलने वाले हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड नंबर्स में ये गाड़ी होने वाली है। इसकी प्रोडक्शन भी जो है वो रेडी है, तो जल्द ही जो है वो आपको ये गाड़ी लॉन्च होती हुई इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। आपके क्या ख्याल है इस गाड़ी के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कैसी लगी ये वीडियो वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।